आज हम लोग इसके क्रेनियल नर्व्स का डिसेक्शन करेंगे। 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होती हैं इनमें, जिसमें से हमको 5th, 7th, 9th और 10th की ब्रांचेस निकालनी है। क्रेनियल नर्व्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक यल शेप कट देंगे। ये देख रहे हैं इस तरह से एल शेप कट। क्योंकि इसकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए आसानी से ये कट जाएगा। आसानी से इसको काट लीजिए, एल शेप एक कट दीजिए। स्किन इसकी हटाने के बाद, स्किन इसकी हम हटाएंगे, देख रहे हैं ऐसे स्किन हटा लीजिए, आराम से हट जाएगी स्किन, ऐसे हटा लीजिए। धीरे धीरे करके अब इसके मसल्स को, इसके स्नाउट रीजन वाले मसल को हटाएंगे। हटा लीजिए आराम से, ध्यान रहे बारबेल नहीं टूटना चाहिए। अगर कोई पार्ट नहीं निकल रहा है तो उसको आसानी से ऐसे काट दीजिए इस तरह से। ये देख लीजिए इस पोर्शन का, ये सारा मसल आपको हटाना है। ये जो देख रहे हैं इस मसल को हटाना है आपको। ये सारे मसल हटाने के बाद इसके नीचे आपको नर्व्स दिखाई पड़ेंगे। ध्यान रहे ये अपर कुलम के ऊपर एक नर्व होती है जिसका नाम अपर कुलर है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से हटाएंगे तो ये नर्व नहीं जो है टूटनी चाहिए। ये देख रहे हैं पोजिशन कुछ ये है इसकी, अपर कुलर नर्व की। बाकी ये सारा जो सॉफ्ट सॉफ्ट पोर्शन है ये पूरा आप हटा दीजिए बिना किसी हिचक के। बहुत गहराई में नर्व होती है। आएंगे देख रहे हैं ऐसे मसल हटा दीजिए। हटाइए, देख रहे हैं ऐसे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये जा रही है ऑप्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस, ऊपर ये जा रही है। और इसके साथ साथ इसके नीचे ये बकैलिस जा रही है, ये वाली नर्व बकैलिस है। ये देखिए आँख में जाती हुई ऑप्टिक नर्व है, अभी हम इसको साफ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो नर्व जा रही है, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये नर्व आपकी मैंडिबुलरिस है। और इसके साथ साथ ये अपरकुलम में, अपरकुलम के अंदर एक नर्व जा रही है जो कि आपकी हायोमैंडिबुलरिस है। ये वाली जो जा रही है हायोमैंडिबुलरिस है, और ये एक अपरकुलम में चली गई है जिसको अपरकुलर ब्रांच कहते हैं। इसको हम अभी आपको और साफ करके थोड़ा सा दिखा रहे हैं। फिलहाल लोकेशन देख लीजिए सारी नर्व का। ये जो है आपकी ऑप्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस, ये जा रही है ऊपर, देख रहे हैं। ये उसके नीचे ये मोटी सी नर्व है बकैलिस है, ये देख रहे हो, देखो ध्यान से बकैलिस है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये नर्व जो गई है ये मैंडिबुलरिस है, ये देख रहे हैं खूब क्लियर दिख रहा है। और ये जो है आपकी हायोमैंडिबुलरिस है, इसको हम साफ करके दिखा रहे हैं। ये अपरकुलम अब काट के इसको अलग कर देंगे, और ये अपरकुलम निकाल देंगे ऐसे, थोड़ा सा अपरकुलम का पार्ट ऐसे, जिससे गिल दिखने लगेगी। ये देख रहे हैं गिल दिखने लगा। और यहाँ का मसल भी ये हटा देंगे, ये मसल हटा देना है आसानी से। ये मसल हटा देना है, ये मसल हटा दें। अब ये देखिए ये है आपकी ऑप्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस, ये ऊपर गई है,
फिफ्थ और सेवेंथ की ब्रांच है, ये है बकाइलिस, बकाइलिस आगे जाके बाइफर्केटेड हुई है, ये दो ब्रांच है, देख लीजिए ये दो ब्रांच इसमें दिखाई दे रहा होगा। और ये वाली नर्व जो है ये मैंडिबुलरिस है, और ये है हायो मैंडिबुलरिस। अब आगे हम गिल का दिखाएंगे, काट दीजिए गिल लैमेली जो है ये, और फिर आपको यहाँ से ये मसल हटाने के बाद यहाँ से नर्व आती हुई दिखेगी, ये देख रहे हैं यहाँ से ये नर्व जाती हुई दिख रही है आपको, ये देख रहे हैं ये नर्व जाती हुई पीछे दिख रही है, और यहाँ गिल में जाती हुई इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ का थोड़ा सा बोन हटाएंगे तो इस बोन के नीचे है। एक बात ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो अपर कुलम का हाफ पोर्शन के बाद जो है इसको नहीं काटना है, क्योंकि इसके ऊपर ये नर्व जाती है, ये देख रहे हैं ये वाली, अगर अपर कुलम हटाएंगे तो ये टूट सकती है अपर कुलम, ठीक है। अब इसको हम दिखा रहे हैं आपको, ये कट करके ये हटा देंगे यहाँ से, आप लोग देख रहे हैं ये जो है ब्रेन के नीचे ये नर्व आती हुई दिख रही है। अब यहाँ की ये मसल भी हटाना है, ये देखिए ये नर्व जाती हुई दिख रही है विसरल आर्गन को, ये देख रहे हैं ये विसरेलिस है। यहाँ पर जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये है आपका ऑप्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस, ये जा रही है, ये है आपकी बकाइलिस, ये मैंडिबुलरिस, और ये है मैंडिबुलरिस जो अपर कुलम के ऊपर से गई है। अब हमने कहा था यहाँ का ये हटाएंगे तो ये देखिए गिल में जाती हुई ये नर्व दिखेंगी, जो पहले गिल में जा रही है उसको ग्लासोफेरिंजियल कहेंगे, ये देख रहे हैं पहले गिल में जाने वाली ग्लासोफेरिंजियल, बाकी ये सारी नर्व जो और गिल में जा रही हैं ये ब्रैंकियलिस है। ऑप्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस, बकाइलिस, मैंडिबुलरिस, हायो मैंडिबुलरिस, ग्लासोफेरिंजियल, ब्रांकियलिस, ये चारों हैं, और ये लैटरलिस। लाइट साइड नहीं आता है, हाँ लाइट ऑन करो।